नमस्कार, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। आज बैंक निफ्टी में सुबह से नीचे के साइड में मूवमेंट आया, लेकिन जाते जाते जहाँ पे ओपनिंग हुई थी वहाँ पे ऑलमोस्ट बंद हो गया, लेकिन कल के क्लोजिंग से नीचे के साइड में ओपन होने के बाद बंद हुआ है। तो थोड़ा सा वो हैमर टाइप की एक आज कैंडल बनी। अब डेली चार्ट में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये डेली चार्ट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो लो बजट का लो है, बजट डे का लो, या जो वहाँ पे जो लो बना है वहाँ से जो मैं डाउनवर्ड एंगल डाल रहा हूँ उसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी लेके बैठी है। अब जब तक ये 40,100-200 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक यहाँ पे बाय सिग्नल तो डेली चार्ट के हिसाब से जनरेट होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो टाइम एंगल पे रेस्ट होने के बाद यहाँ पे एक डोजी का कैंडल पकड़ो, यहाँ पे ये हैमर टाइप कैंडल पकड़ो, इसके बाद ये वापस आज हैमर टाइप कैंडल पकड़ो। तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल कैसे हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये कैंडल कैसे हुई है कि ओपन हुआ, सॉरी एक मिनट, हाँ ओपन यहाँ पे हुआ, वहाँ से सेल ऑफ आया, फिर वापस ऊपर की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ आया और यहाँ पे बंद हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक नीचे की साइड से एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है और सपोर्ट आके जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ पे ही बंद करने की कोशिश हो रही है। सेकेंड बार भी सेम पोर्शन सेम मोमेंट दिखा रहा है कि नीचे के साइड से सपोर्ट आ रहा है और बंद हो रहा है। तो ये भी एक सपोर्ट का कैंडल है, ये सपोर्ट का कैंडल है और ये आज भी क्या हुआ है, जहाँ पे ओपन होता है वहाँ से नीचे जाता है फिर क्लोजिंग में वापस वही लेवल पे आके बंद हो जाता है। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ कि तीन बार ये कंटिन्यूस ऊपर की तरफ नीचे ओपन होके नीचे की तरफ आ रहा है, वापस ऊपर की तरफ जाके बंद हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अभी जैसे कि ये यहाँ पे एक डोजी कैंडल या हैमर जो भी आप पकड़ो, यहाँ पे हैमर पकड़ो, यहाँ पे हैमर पकड़ो, तो पहला अपना रूल क्या है, इसके आगे का पहले का कैंडल का अपवर्ड एंगल जो क्रॉस हो जावे तो ही बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। तो यहाँ पे अभी क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो करीबन 40,100-200 के आसपास मूवमेंट आ जावे और वो क्लोजिंग अगर प्रॉपर हो जावे तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट होगा। अभी 39,400 के आसपास चल रहा है तो यहाँ से भी मैं 600-700 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बिफोर दैट सिग्नल आने के पहले की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे सपोर्ट दिखा रहा है। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज नहीं हुई और नीचे की तरफ क्लोज हो गई तो ये जितने भी सपोर्ट करने वाले हैं ये सेलर में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर ये बहुत बड़ा जोन हो जाएगा जो हमको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा आगे चल। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ हम लोग देख सकते हैं और वो सेल ऑफ जो है हमको कम से कम 36,000 तक की निफ्टी लेके आ सकता है। फर्स्ट सपोर्ट उसको मिलेगा करीबन 37,500 और उसके बाद 36,000। तो यहाँ पे बहुत जोर से सेल ऑफ आने के चांसेस है, बड़ी बड़ी कैंडले होने का चांसेस है। तो ऊपर की साइड में भी वैसे ही शायद हो सकता है, अगर बाय सिग्नल आवे तो बहुत जोर से मूवमेंट आवे और हम 42,500 तक जावे। निफ्टी में सेम मूवमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाउनवर्ड एंगल पे सपोर्ट ले रहा है, सेकेंड कैंडल का लो इंटैक्ट हो रहा है, जैसे कि ये सेकेंड कैंडल का लो का डाउनवर्ड एंगल सपोर्ट ले रहा है। अभी जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी लो
लो से डाउनवर्ड एंगल जो भी है वो इम्पोर्टेंट है, लो टूटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आज 850 का जो पहले का लो था वो तोड़ के 830 बना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लोजिंग ऊपर की तरफ आई है। और 850 के नीचे जो डाउनवर्ड एंगल है वो वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई है, तो यहाँ पे भी सेम मूवमेंट आ रही है। तीन कैंडले कंटिन्यूस ये बता रही है कि ये ऊपर की तरफ मूवमेंट लेके जाने के लिए रेडी है, मतलब ये तीन कैंडले बायर की मूवमेंट दिखा रहे हैं। अगर ये 42,000 17,200 300 क्रॉस नहीं होता है तो निफ्टी में वापस हुई नीचे के साइड में सेल ऑफ आएगा, और नीचे के साइड में सेल ऑफ जोर से आएगा। 16,300 और 15,800 का मूवमेंट बहुत फास्ट आ सकता है ऊपर की साइड में, वैसे ही जैसे कि मैं ये बोला कि अगर ऊपर की साइड में ये निकल गया बाई की तरफ तो हमको 18,000 तक की मूवमेंट बहुत फास्ट दिख सकती है। तो इसके लिए 17,300 के ऊपर अच्छा मूवमेंट या क्लोजिंग हमको देखनी चाहिए। अभी ये हो गया डेली चार्ट के हिसाब से। इंट्राडे के चार्ट में आज क्या हुआ, आज हम लोग देखेंगे तो ये ओपन नीचे हुआ। अभी जैसे कि कल क्या हुआ था, कल मैंने आपको बोला था कि यहाँ से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे जाके बंद हो गया, इसका अपवर्ड एंगल में जाके बंद हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। अभी आज नीचे के साइड में ओपन हुआ, अब नीचे के साइड में ओपन हुआ तो यहाँ पे सेल सिग्नल कहाँ पे जनरेट हुआ। अब देखिए ये जो लो है ये उतना कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी समझो हम लोग ने पकड़ा तो एक यहाँ पे एक सेल ऑफ आया, लेकिन वो नहीं पकड़ सकते, इसको ही पकड़ना पड़ेगा। इसका जो लो है ये टूटेगा तो ही सेल ऑफ आएगा ये सेल। और यहाँ पे देखिए आप बराबर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, और वहाँ से बाद में ये सेकेंड कैंडल के हिसाब से सपोर्ट लेते बैठा, और बाद में लास्ट में मूवमेंट ऊपर की तरफ आ गई। तो अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे टाइम एंगल पे देख रहे हैं, यहाँ से कहीं पे भी आपको हैमर विमर कहीं पे भी मूवमेंट दिखी नहीं। आज के दिन में एक्चुअली खास ऐसा कोई भी कैंडल का मूवमेंट नहीं दिखा, जैसे कि हैमर है या डोजी, ज़्यादा खास करके हैमर ही और इन्वर्टेड हैमर ही इम्पोर्टेंट है रहता है, तो वो हमको ज़्यादा नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे खुलते ही यहाँ पे एक हैमर की कैंडल दिखी, और बट ऑब्वियस हैमर कैंडल दिखने के बाद ऊपर का जो फर्स्ट कैंडल का हाई क्रॉस होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो वहाँ से हमको सेल ऑफ दिखने को मिला। लेकिन वो सेल ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं है, 39,190 के अगर हैमर के नीचे का बार देखते हैं तो 39,190 से लेके 39,040 में 150 पॉइंट नीचे आया, लेकिन नो डाउट 150 पॉइंट भी बहुत बड़ी बात है, कॉल पुट में अच्छा काम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, छोटी छोटी मूवमेंट में देखेंगे तो ये लो के नीचे ये लो मारा तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा बाय सिग्नल जनरेट हुआ। ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ सेकेंड कैंडल के ऊपर, यहाँ पे इसने क्लियर कट देखना है तो सेकेंड कैंडल के ऊपर एक कम से कम 150 पॉइंट की मूवमेंट, मतलब क्लियर कट 150 पॉइंट यहाँ पे और क्लियर कट 150 पॉइंट यहाँ पे मिला, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग का है उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ नहीं, तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। और अभी अब समझो हम कल के हिसाब से देखते हैं तो कल जो है 48,750 है, उसके नीचे एक इंट्राडे सेल सिग्नल जनरेट होगा, लेकिन 38,300 के नीचे सेल ऑफ हो जाएगा, जो हमको परसों का जो लो है उसका अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल पकड़ते हैं तो वो डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं उसके पहले सेल ऑफ हमको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे अभी एक ट्रैप पोजीशन है, परसों फेड का डिसीजन आएगा उसके बाद ही हमको मूवमेंट दिखने वाली है कहीं पे वन साइड, तब तक हमको ये बीच की मूवमेंट के लिए पॉइंट्स को रेफर करना है। तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो 39,570, 870,
40-300 के ऊपर फ्लरिश हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी के दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 40-300 और 38-300, मतलब 1000 पॉइंट के इसमें बैंक निफ्टी यहां से भी घूम सकती है। और इसके बाद मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ। निफ्टी में भी सेम मूवमेंट हो गई। निफ्टी में देखेंगे तो नीचे के साइड ओपन होने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा हैमर टाइप मूवमेंट हुआ, वहाँ से नीचे आया, वहाँ से ऊपर आया। अभी निफ्टी में क्या हुआ कि ये लो, ये हाई है और ये हाई है, उसका लो का डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो यहाँ पे एक बार उसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, सेकेंड टाइम देखा तो वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो यहाँ पे भी सेकेंड कैंडल जो है वो टूटा नहीं है। और देखेंगे तो ये लो के नीचे ये लो मारा, तो यहाँ से अगर अपवर्ड एंगल डालेंगे तो एक छोटा यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ। यहाँ से बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद एक करीबन आपको 100 पॉइंट की रैली देखने को मिली, एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हैमर कैंडल आपको बता देता हूँ, दो मिनट। टाइम एंगल के आसपास देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक हैमर कैंडल बनी थी, छोटी है, बहुत छोटी है। तो उसके पहले का जो कैंडल है अगर उसके ऊपर हम लोग देखते हैं तो सिंगल क्लोजिंग है उसके, हाँ पहले का कैंडल देखते हैं तो सिंगल क्लोजिंग है और सेकेंड क्लोजिंग नीचे ही आई है। यहाँ से भी वो देखेंगे तो वो सेम ही हो जाता है। तो कोई खास मूवमेंट नहीं है ये जो है, अगर यहाँ पे भी हम लोग हैमर देखते हैं तो उसके पहले का जो हाई है वो यहाँ पे ही हो जाता है। तो दो क्लोजिंग आया ही नहीं कहीं पे और इसके बाद यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा हैमर है, उसके पहले का कैंडल क्रॉस नहीं हुआ। तो टाइम एंगल पे यहाँ पे हमको हैमर एक अच्छा खासा शो करता है कि कौन से पॉइंट के ऊपर लेना है। तो यहाँ पे ये क्लियर कट मैसेज था कि यहाँ से ऊपर अगर आवे तो आपको कोई भी हाल में लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 36,931 के ऊपर आपको सीधा 17,000 की मूवमेंट दे दी, ठीक है। इसके बाद अगर कल के लिए देखेंगे तो 16,750 के नीचे एक सेल ऑफ आएगी, जो परसों का लो का डाउनवर्ड एंगल है, जो यहाँ से मैंने 16,770 बोला था लेकिन आज एंगल के हिसाब से थोड़ा सा नीचे जा रहा है। 16,750 के नीचे सेल ऑफ आएगा, नीचे 16,620 और 540 में एक अच्छा सपोर्ट आएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर ऊपर की तरफ 17,090, 17,160 और 220 के ऊपर मार्केट फ्लरिश हो जाएगा। ये लो के नीचे ये लो मारा है तो ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा, तो अच्छा सिग्नल जनरेट होने वाला है। वो जो पॉइंट है वो 17,220 है। तो आपको मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद आपको आज मतलब मैं थोड़ा सा बताना ये चाहता हूँ कि फेड का ये जो टेक्निकल है, ये टेक्निकल तो अपने को दिख रहा है कि ये ट्रैप जोन में अटका हुआ है, लेकिन फेड का जो भी डिसीजन आएगा वो डिसीजन के ऊपर ही सब मार्केट अपना मूवमेंट डिसाइडेड है। तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो भी ट्रेड करना है कॉल पुट में कीजिए, क्योंकि परसों जो है वो इरेटिक मूवमेंट हो सकती है ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, तो आपको कॉल पुट में लेके खुद की रिस्क जो है वो कंट्रोल में रखना है, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।